नमस्कार दोस्तों, गार्लिक विद रेणु इजी कुकिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे भिंडी मसाला या भिंडी दो प्याजा। ये सब्जी आपने किसी शादी पार्टी में जरूर खाई होगी। भिंडी सभी की फेवरेट सब्जी होती है और अगर ये चटपटी और मजेदार बने तो क्या बात है। तो आज हम बनाएंगे भिंडी मसाला। दोस्तों, जो दोस्त मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी उन्हें सबसे पहले मिले। तो आइए अब हम बनाते हैं भिंडी मसाला। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। यहाँ मैंने आधा किलो भिंडी लिया हुआ है, उसको धोकर मैंने दोनों तरफ से एंड्स काट कर लंबा लंबा इस तरह से काट लिया है। लगभग चार हिस्सों में मैंने काटा है और इस तरह से खोल के हम रख देंगे जिससे कि ये थोड़ी ड्राई हो जाती है। यहाँ हमने हमारे रेगुलर मसाले इस्तेमाल किए हैं, जिसमें दो छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, एक छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार हम लेंगे यहाँ पर। यहाँ मैंने दो मीडियम प्याज लंबे लंबे पतले काट कर रखे हैं, दो हरी मिर्चें लंबी काट कर रखी हैं। तड़के के लिए हम इस्तेमाल करेंगे आधा छोटा चम्मच सौंफ और आधा छोटा चम्मच जीरा। तो चलिए अब हम तड़का बनाते हैं। यहाँ मैंने लगभग 1.5 बड़ा चम्मच तेल गरम करने के लिए रखा है। मैंने यहाँ सरसों का तेल यूज किया है, आप चाहें तो दूसरा कोई रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, पर सरसों के तेल से इसका स्वाद और बढ़ता है। जब तक तेल गर्म हो रहा है, हम यहाँ पर इस तरह से ये जो हमने मसाले लिए हैं इन्हें मिक्स करेंगे और भिंडी में लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, मैंने ये जो मसाले मिक्स किए हैं ये हम भिंडी पर डाल देंगे और इन्हें मिक्स कर देंगे। इस तरह से हम इसे मिक्स कर देंगे। जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है तब तक ये मसाले इसमें अच्छे से कोट हो जाएंगे। ये देखिए, भिंडी को हमने सब तरफ से मसाला मिक्स कर दिया है। यहाँ हमारा तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा और सौंफ डालकर तड़का बनाएंगे। जैसे ही ये चटकने लगे हम बारीक कटा लंबा प्याज इसमें मिला देंगे। प्याज को मिक्स करके पूरा सुनहरा होने तक हम भूनेंगे। अब हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन होने लगा है, अब हम इसमें लंबी कटी हरी मिर्च मिलाकर इसे भी थोड़ी देर भूनेंगे। जब तक हमारा प्याज और मिर्च भून रही है तब तक हमारा भिंडी का भी मैरिनेशन हो रहा है। हमारा प्याज अब एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है, बढ़िया सिक गया है। अब हम इसमें हमारी मैरिनेट की हुई भिंडी मिलाएंगे। भिंडी मैंने मिक्स कर दी है, अब हम इसे धीरे धीमी धीमी आंच पर ऐसे ही पकने देंगे। यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं आपकी भिंडी बिल्कुल भी चिपचिपी ना बने, खिली खिली बने, तो भिंडी को कभी भी ढककर मत पकाइए। ऐसे ही खुला मीडियम फ्लेम पर पकने दीजिए और बीच बीच में उसे हिलाते रहिए। अब हमारी भिंडी पक रही है दोस्तों, बस 5 मिनट में हमारी मजेदार भिंडी मसाला रेडी होने वाली है। भिंडी को एक बार हम पलट लेते हैं। भिंडी हमारी अब अच्छे से पक गई है, अब हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे। अमचूर पाउडर हमें बिल्कुल लास्ट में डालना है। आप चाहे तो चाट मसाला भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आप चाट मसाला यूज कर रहे हैं तो आपको नमक थोड़ा कम डालना पड़ेगा, क्योंकि चाट मसाला में नमक काफी रहता है। चाट मसाला डालकर हमने अब इसे मिक्स कर दिया है। अब कुछ देर इसे ऐसे ही और थोड़ी देर पकने देते हैं और हमारी भिंडी मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगी।
हमारा भिंडी मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए ये जरा भी चिपचिपी नहीं बनी है और हमने इसे कितने कम तेल में बनाया है, फिर भी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनी है। चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। भिंडी मसाला की मैंने प्लेटिंग कर ली है। चलिए अब हम इसे थोड़ा गार्निश कर लेते हैं। गार्निश कुछ खास नहीं, बट इससे डिश और भी अच्छी लगती है। दोस्तों आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और पास में जो सब्सक्राइब का बटन बना है उसे ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले नए नए इजी रेसिपीज़ की जानकारी आपको सबसे मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।